दुनिया का सबसे रईस हुक्मरान, 7000 कारों का कलेक्शन, घर, कारें, कपड़े, हर जरूरी सामान 24 कैरेट गोल्ड का। ये शान शौकत ब्रुनेई के सुल्तान और प्रधानमंत्री हसनल बोल्किया की है। ब्रुनेई एशिया का एक छोटा सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोल्किया और उनकी दौलत की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में उनकी बेटी राजकुमारी फादजिला लुबालुल बोल्किया की शादी हुई है। बोल्किया की बेटी के शादी के भव्य कार्यक्रम 7 दिनों तक जारी रहे। शादी के दौरान ब्रुनेई के शाही जोड़े ने एक से बढ़कर एक ड्रेस भी पहनी जिसमें कुछ तो हाथी के दांत से बनाई गई थी। ब्रुनेई पर बीते 50 साल से शासन कर रहे बोल्किया दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शासक हैं। वो साल 1980 तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। 75 साल के बोल्किया की कई पीढ़ियां ब्रुनेई पर राज कर चुकी हैं। कहा जाता है कि 600 साल से इस देश की सत्ता पर बोल्किया लोगों का ही कब्जा है। मौजूदा शासक बोल्किया 1967 में ब्रुनेई की गद्दी पर बैठे थे। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। अक्सर अपने अमीरी के किस्सों के चलते वो खबरों में रहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उनके पास 7000 कारों का विशाल काय कलेक्शन है जिसमें एक से एक महंगी और लग्जरी कारें शामिल हैं। इनमें कुछ कारों पर सोने की परत भी चढ़ी हुई है। कार के अलावा उनके पास कई प्राइवेट जेट्स भी हैं जिसमें बोइंग 767-200 और 747-200 जैसे विमान शामिल हैं। कहा तो यहां तक भी जाता है कि इनमें से एक विमान पर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। इतनी आलिशान जिंदगी जीने वाले हसनल बोल्किया बेशुमार दौलत के मालिक हैं। रिपोर्ट बताती है कि उनके पास 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है जिसका सबसे बड़ा स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। सुल्तान जिस महल में रहते हैं वो 20 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी कीमत 2550 करोड़ रुपए है और ये सोने से बना हुआ है। इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस नाम से इस महल का निर्माण 1984 में करवाया गया था। इस महल में 1700 से ज्यादा कमरे, 257 वॉशरूम और 5 स्विमिंग पूल हैं। खास बात यह है कि महल में घोड़ों के लिए बनाए गए अस्तबल भी पूरी तरह से एयर कंडीशनर वाले हैं। महल के गुंबद में 22 कैरेट सोना लगा हुआ है जो इसे दुनिया में अपनी तरह की अनोखी इमारत बनाता है। तो है ना बेहद अजीमो शानो शौकत। भाई किसी ने ठीक ही कहा है कि शौक बड़ी चीज है और इस सुल्तान के गोल्डन शौक के आगे अच्छे अच्छे रईसों की दौलत फीकी है।